लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं। बीजेपी जीत के लिए हर बूथ को मजबूत करने के काम पर जोर दे रही है। कांग्रेस पार्टी भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। इसके अलावा कुछ पार्टियां तीसरे मोर्चे की कवायद में भी लगी हैं। अगले आम चुनाव के नतीजे इस बात पर निर्भर होंगे कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष कितना एकजुट हो पाता है। तो वहीं एक सर्वे में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजती दिख रही है। दरअसल सी वोटर के सर्वे के मुताबिक वैसे तो ब्रांड मोदी का जादू फिर से चलता दिख रहा है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर बीजेपी को भारी नुकसान होता दिख रहा है। इस सर्वे में बहुमत का आंकड़ा घटता हुआ दिख रहा है। सबसे ज्यादा घाटा बीजेपी को कर्नाटक में होते हुए दिखाया गया है। पिछली बार इस राज्य में बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें जीती थी। कर्नाटक में एनडीए को भारी नुकसान होता दिख रहा है और यूपीए को फायदा मिलता दिख रहा है। राज्य में यूपीए को 43% का फायदा हो रहा है। ये आंकड़े साल 2023 के चुनाव को लेकर पेश किए गए हैं, जहां साल 2019 में यूपीए ने कर्नाटक में 2 सीटें जीती थी। वहीं आज चुनाव होते हैं तो यूपीए को 17 सीटें मिलती दिख रही है। यानी 25 सीटों में से 17 सीटें निकाल दी जाए तो एनडीए के खाते में 8 सीटें जाती लग रही है। कर्नाटक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 दिनों तक रही। सर्वे के मुताबिक इस यात्रा के बाद राज्य में कांग्रेस फायदा होता दिख रहा है। राहुल ने कर्नाटक के अंदर काफी रणनीति तैयार की थी। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कर्नाटक में यात्रा के दौरान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंची। राहुल की यात्रा का रूट और सियासी समीकरण समझे तो ये यात्रा दक्षिण कर्नाटक से होकर गुजरी। यात्रा 7 जिलों के 7 संसदीय सीटों चामराजनगर, मैसूर, मांड्या, तुमकुर, चित्रदुर्ग, बेलारी और रायचूर से होकर गुजरी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।